किधर मर गया था? इधर ही था अन्ना। मैं इतना देर से आवाज देता, जा वो तल्ला। वेलू कैसा? मैं ठीक है अन्ना। अजॉन तेरा कैसा? ठीक है, अभी तक कोई खास काम हाथ में नहीं आया, चल रहा है। नहीं नहीं अन्ना, आज रहने दो, ग्लास लेकर आ। ठीक है। और साथ में खाने के लिए भी लाना कुछ। आजकल इस धंधे में बहुत खतरा, पुलिस हमेशा ताक में रहता। सही बात है। मैं सोचता कुछ और करने के लिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कुछ खास करने के। मेरे पास कोई प्लान है क्या? क्या ना, बोलने से पहले ही ना आप समझ जाते हो हमेशा। हाँ है एक प्लान। बोल बोल जल्दी बोल। अन्ना एक घर है, मेरी अम्मा काम करती है वहां, बहुत अमीर लोग। कल गया था मैं उधर, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई घर देखकर। बेटी की शादी कर रहे हैं, कमीने लाखों खर्चा कर, तो उसमें से कुछ हजार तो हमारे को दे सकता ना। वो सब ठीक है, लेकिन अपन वहां तक पहुंचेगा कैसे? ये प्लान तो बनाना होगा। विलू, तेरे को उस घर के बारे में कुछ मालूम? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मेरी अम्मा को सब कुछ मालूम। तुझे चोरी करने को कौन कह रहा है? तू बस मुझे घर का नक्शा बता दे। कमीने, इतने सालों तक इन लोगों ने मुझे पाला, और तू चाहता है कि मैं इनकी वफादारी भूल जाऊं, इनको धोखा दूं? नहीं, मत भूल, मैं कौन होता हूं तेरा, तू मेरे लिए कुछ क्यों करेगी? मैं धोखा नहीं दे सकती। मत दे धोखा, पड़ी रहे हैं घिसते रहे इनके बर्तन और खाती रहे इनके झूठन। तू अम्मा है मेरी, बड़ी अम्मा बनती है। जा रहा हूं मैं, अब ना आऊंगा वापिस। उस दिन इस मां को लगा मानो उसने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया हो। अब उसे फैसला करना था, अय्यर परिवार से जुड़ी अपनी वफादारी और अपने बेटे में से किसी एक को चुनना था। फैसला चुन लिया उसने अपने बेटे और उस परिवार में से। उस परिवार को कहती है इतने सालों तक पाला है उन लोगों ने, उनके साथ धोखा नहीं करेगी। बेटा तो जैसे मर गया।